आजकल के शोज प्रॉपर प्रोडक्शन पे भी बेस्ड होता है, चैनल वाले डिसाइड करते हैं कौन जीतना चाहिए कौन नहीं जीतना चाहिए, तो उनके शो चलाने के लिए उसमें हमको एज ए परफॉर्मर इन्वाइट करते ताकि हम लोग स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है वो शो उनके यहाँ पर चले उसमें वो लोग अर्न कर सके. ओके, इस काइंड ऑफ बिजनेस होने रियलिटी शो चला रहे मीन्स पैसा कमाने ही प्रोडक्शन टीम चैनल चला रहे राइट. वैसे रियलिटी शो जो जो ज्यादा उनको टीआरपी दे रहे हैं वही जीतता है हमेशा. आगे सर्वाइव करने के लिए आपको और मेहनत करना पड़ेगा, आपको लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा दैट यू आर द बेस्ट नॉट इन द रियलिटी शो इन द रियल लाइफ रियल लाइफ ऑल्सो यू आर द बेस्ट. तो वो शो करने के लिए आपको कंटिन्यूटी काम करना होगा. वेलकम टू द शो चर्चा चौराहा प्रेजेंटेड बाय कुकटेल्स. मैं हूँ गीतू राठौर, इस शो की प्रोड्यूसर और आपकी होस्ट. इस शो में कुछ अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस होंगे जहाँ आइडियाज मिलेंगे, ओपिनियंस भी होंगे, डिस्कशंस भी होंगे. डिस्कशंस कुछ ऐसे होंगे जिससे आने वाले फ्यूचर में सोसाइटी को एक नया शेप देने में मदद मिलेगी. वेलकम टू कुकटेल्स प्रेजेंटिंग चर्चा चौराहा. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट गेस्ट मोशिन सर. वैसे कहूँ तो ये यंग टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश में है. इनके बच्चे सिर्फ इंडियन रियलिटी शोज में नहीं अब इंटरनेशनल भी पहुँच चुके हैं. आगे की स्टोरी ये खुद बताएंगे. कैसा फील कर रहे हो अभी? बहुत अच्छा लग रहा है. काफी मेहनत के बाद ऐसे पोजिशन में आके बैठ कर इंटरव्यू देना ये सब कभी सोचा नहीं था. सिर्फ टीवी पे देखा था ऐसे सब होता है. बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो मेहनत करते हैं मेहनत करके पोजीशन में आते, तो ये सब सोचा नहीं था देखा था सब चीजें. एंड आज मेरे साथ भी हो रहा है तो मुझे बहुत ग्रेट फील हो रहा है. तो अभी मुझे ना सबसे पहले जानना है आपका गुरु पूर्णिमा वाला एक्सपीरियंस. मैंने इंस्टाग्राम पे आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपके स्टूडेंट्स और जो भी है तो वो आपके पैर धो रहे थे. तो मुझे वो एक्सपीरियंस जानना है क्योंकि आपका बैकग्राउंड ऐसा कुछ है नहीं कि आपने पहले ये सब एक्सपीरियंस किया हो. आई थिंक सो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ. तो मुझे वो बहुत इमोशनल मोमेंट था क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतना काबिल हूँ. मैं एज ए शिष्य उनको मैं गुरु उनको लगता है कि मैं इतना कैपेबल हूँ. हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज. मगर मैं उनको एक मैसेज दे रहा हूँ कि आप शायद टेलीविजन में देखते या मैंने किया हो देखा होगा आपने. मैंने मेरे मॉम डैड को किया था राइट. तो आज गुरु पूर्णिमा है आप मेरे चरण पहुंच रहे धो रहे हो. आपने पहले अपनी मॉम डैड का किया था क्या? मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन लोग ने बोला नहीं किया. सो मैंने उनको बताया आप लोग रॉन्ग हो. तो ये आप उनके लिए पहला करो. आज आप मेरे क्लास पे आ रहे हो सीख रहे हो ये किसके थ्रू हो रहा है? उनके थ्रू हो रहा है. वो कितने मेहनत कर रहे तब अर्न करने के बाद वो एफर्ट कर पा रहे इतने बड़े वन ऑफ द बेस्ट क्लास में वो आपको एंट्री करवा कर एडमिशन दिलाकर फीस पे कर रहे. आपने कभी उनका पीछे मेहनत देखा नहीं. आपको सिर्फ लगता है मोशन सर सब कर रहे. आई एम जस्ट टीचिंग डांस. मैं आपका आर्ट आपको डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ आर्ट सिखा रहा हूँ. मगर मेरा डिसिप्लिन यही है कि आप आपके पेरेंट्स को पहला वो करो देन मेरे. मुझे अच्छी मुझे खुशी हुई थी वो उन्होंने मेरे को किया था. मगर मैं शायद और खुश होता था शायद ये सब बच्चे उनकी मॉम डैड के घर पे उनकी मॉम डैड को करते था मैं और खुश होता था बिकॉज मैं मेरे बच्चे को वही चीज सिखाना चाहता हूँ कि फर्स्ट पेरेंट्स नेक्स्ट गुरु. हाँ क्योंकि एज अ मेंटर आप तो है ही लेकिन ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स भी हैं उनके सपोर्ट में. अगर उनका सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो आप तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे. एंड देन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उन्होंने जहां का सोचा है वहां तक कैसे पहुंचे? Exactly. आपका खुद का एक बैकग्राउंड है साउथ से. तो आप जब जाते हो अपने यहाँ अपने साइड पे या अपने नेटिव प्लेस पे तो वहां का वाइब कैसा रहता है डांस को लेके वो सब थोड़ा बताओ. मेरे फ्री से मैं ओपन स्टाइल है जिसमें टॉलीवुड का फ्लेवर रहता ही है मेरा. हाँ, इसमें थोड़ा साउथ का फ्लेवर रहता ही है. तो वहाँ का कम्युनिटी भी जैसे यहाँ के मुंबई का है वहाँ का भी उतना ही स्ट्रांग है. वहाँ के डांसर्स भी उतना ही स्ट्रांग थे. उनका फाउंडेशन से लेके सब चीजें बहुत क्लीन एंड क्लियर है. और हमारा कम्युनिटी जो डांस कम्युनिटी ऐसा है ना वी सपोर्ट ईच अदर. लाइक मुंबई के आर्टिस्ट वहां जाके सिखाते साउथ के यहाँ आके सिखाते ऐसा बहुत बड़े बड़े कैंप्स होते. सो हमारे डांसिंग कम्युनिटी में एक यूनिटी ओके. जो उनके पास टैलेंट है वो हमें शेयर करते हैं हमारे पास जो टैलेंट है उन्हें शेयर करते हैं वैसा है. तो आजकल
इंटरनेशनल लोग भी है ना इंडिया में आ रहे हैं, अभी दिल्ली में कैंप चल रहे हैं, तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंडिया में आके सिखा रहे हैं। ओके, तो इंडिया भी डेवलप हो रहा है, इंडियन आर्टिस्ट इंटरनेशनल भी जा रहे हैं। Yes, yes, कुछ दिन पहले मैं दुबई गया था मेरे फ्रेंड के, तो वो हमारा मुंबई का स्टाइल वहाँ दुबई में जाके सिखा रहे हैं। लाइक डांसिंग कम्युनिटी इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि एक दूसरे का आज सपोर्ट कर रहे हैं, एंड इसमें एक दूसरे भी सब लोग ग्रो हो रहे हैं इसमें। तो मतलब सब हर जगह कल्चर एक दूसरे में स्प्रेड हो रहा है। यस yes, हो रहा है। पहले क्या होता था, हम यूट्यूब देख के अमेरिका के डांस सीखते थे, सब होता था। yes. अभी अमेरिका के लोग इंडिया का डांस भी सीखते हैं। नाइस, ये भी चालू हो गई। बहुत जरूरी है एक्चुअली ये चीज। बहुत सारे ना बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज आपने दिए हैं बच्चों को, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट करते हो, मैजिक है या फिर मेहनत है, कैसे होता है ये? ये मेहनत है, ऊपर वाले का साथ है बस। ओके, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी कहा है कि मुझे 12-13 इयर्स हो गया अभी ये चीज में। हाँ, मैं सिर्फ सपने देखे, मैं उस पर मेहनत भी की है, मगर मैं ये सोचा नहीं कि वो कब जाके पूरा होगा। मैं मेहनत करते आए बहुत अप्स एंड डाउन आए मेरे लाइफ में, जो मैं बता भी नहीं सकता हूँ। अभी भी मैं उसके साथ डील कर रहा हूँ, बहुत सारे अप्स एंड डाउन, लाइक फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी आते हैं। okay. काफी टाइम रेंट्स पे नहीं कर पाता हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम्स चलते हैं। अभी कई बार है ना ऐसा लगता है लोगों को कि जो रियलिटी शो वो देख रहे हैं, तो वो सब कुछ है ना एक कंटेस्टेंट के टैलेंट पे डिपेंड करता है, तो कितना सच है ये चीज? मतलब हम जो देखते हैं टीवी पे, और आप तो वो चीज रियलिटी में एक्सपीरियंस करते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को लेकर जाते हो वहां पे परफॉर्मेंस के लिए, तो वो एक जर्नी होती है, आप उस टाइम पे बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते होंगे, तो आपको बेसिकली पता है कि ये क्या है, जजिंग और वोटिंग में चल रहा है सब कुछ खेल, या फिर मतलब टैलेंट पे बेस्ड है, या कुछ बायसनेस है, क्या है? टैलेंट पे तो बेस होते हैं, कुछ कुछ जेन्युइन शोज है जो टैलेंट बेस्ड भी जज होता है। बुगी बुगी देखा होगा आपने पहले का। हाँ, तो वो सब शोज प्रॉपर टैलेंट में जज होते हैं। ओके, तो आजकल के शोज प्रॉपर प्रोडक्शन पे भी बेस्ड होता है, चैनल वाले डिसाइड करते हैं कौन जीतना चाहिए कौन नहीं जीतना चाहिए। तो मैं तो बोलूंगा जिनको भी ये चीज शायद पता नहीं, तो मैं उनको बोलूंगा आ जाओ दिखा दूंगा। बिकॉज काफी शोज मैंने भी किया है, मेरे स्टूडेंट कई बार रिजर्विंग थे, मैं वो जीत नहीं पाए, तो सब चैनल का कॉल होता है। मगर जो टीवी शोज होते हैं ना वो रियल है, रियलिटी शो है, तो हमेशा समझो रियल भी कुछ होता है रियलिटी शो है। क्या डिफरेंस है? रियलिटी शोज आते हैं तो उसमें कैटेगरीज होते हैं, सोलो डुएट ग्रुप जूनियर कैटेगरी सीनियर कैटेगरी सब होता है, तो मेरा फोकस सब जगह में रहता है। जैसे टैलेंट मेरे क्लासेस में है, लाइक ग्रुप होता है तो ग्रुप में ग्रुप का नाम लगता है 0 degree, इंडिविजुअल होता है लाइक मोशन इंडिविजुअल नाम, ऐसा काफी स्टूडेंट जो इंडिविजुअल भी अचीव किए अपने क्लास में एंड ग्रुप भी कर रहे हैं अभी। ओके, तो इंडिविजुअल के प्रिपरेशन वही जैसे ग्रुप के लिए प्रिपरेशन होता है, सेम इंडिविजुअल के लिए भी होता है, तो उनको इंडिविजुअली बुलाकर उनको प्रिपेयर करवाना पड़ता है। लाइक दिस इज अ स्टेज, तो बच्चों को हम सिखाते हैं कि हाउ शुड यू परफॉर्म, लाइक फ्रॉम द सेंटर टू द लेफ्ट टू द राइट, हाउ वी विल अट्रैक्ट बाय योर एक्सप्रेशंस, आई विल टेक योर प्रॉप्स, आई विल पिक अप योर प्रॉप्स, आई विल कीप योर प्रॉप्स, एवरीथिंग वी टीच देम, आपको फ्लिप्स कैसा करना है, सब चीजें उसमें सिखाया जाता है इंडिविजुअल ट्रेनिंग में। झगड़े होते हैं? मतलब अगर ग्रुप डांस है तो किसी के साथ झगड़े होते हैं कि मुझे आगे रहना है, मुझे पीछे पोजिशन नहीं चाहिए ऐसा? वो बच्चों में नहीं होता, उनके पेरेंट्स में होती है। उनके पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे आगे क्यों पीछे है, हाँ उनके लिए मैसेज है। बच्चों में नहीं होते, बच्चे दिल के साफ होते हैं, बच्चे वो किधर भी डांस करो वो करते हैं। ओके, एंड मैं उनको एक एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा। एक टाइम आया था प्रभु देवा सर स्ट्रगल कर रहे थे, वो सब के बीच में खड़े होकर डांस कर रहे थे, तो डायरेक्टर ने देखा वो सब के बीच में से प्रभु देवा सर को पिकअप किए। तो डांस आप ऐसा करो कि लोग आपको कोई भी कोने में आपको देख के बोलना चाहिए ये स्टार किड है, ये स्टार डांसर है। तो आप ग्रुप डांस में 10 लोग ही, 10 लोग में भी वो पेरेंट्स बोलिए कि आप मुझे मेरे बच्चे को आगे करो पीछे को, कोई किसी को आगे पीछे नहीं, वो खुद से वो हक से आना चाहिए आगे। कोई चीज मांग के लेते ना वो चीज में मजा नहीं है। सही बात, हमको अपने लाइफ में हक से वो चीज का मतलब का मेहनत करके काबिल बनना पड़ेगा वो पोजीशन लेने के लिए। जब मैं छोटी थी ना तो हम लोग ऐसे डांस करते थे, हम तो लड़ते थे कि नहीं हम मुझे पहले आना है, शायद मैं वो नहीं था। हाँ, मैं भी मेरा टाइम पे लड़ता था। हाँ, मैं टाइम जैसे वक्त बढ़ते गया मेरा समझने लगा कि वी शुड परस्यू आवर पोजीशन, मांग के कुछ नहीं मिलता है, मांग के मिलने में मजा भी नहीं है। करेक्ट, टैलेंट दिखाना, टैलेंट दिखा के जीतना है, इसीलिए मैं काफी सारे कॉम्पिटिशन में जाता था, मैं हारता था पहला।
अच्छा। मैं बहुत सारा कंपटीशन हार चुका हूँ, उसके बाद जब मैं जिस दिन जीतना चालू किया लाइन से मेरे पास 200-300 ट्रॉफीज है जो मैंने और मेरे टीम ने जब मेरे टाइम पे मैंने किया हुआ है। अभी मैं जब आपके स्टूडियो में आते ना, मैं बैठती हूँ और मैं वहाँ पे देखती रहती हूँ यार ये आज कुछ नया, ये पहले नहीं था, ये नया लगाया हुआ है यहाँ पे, ये नया लगाया हुआ है। कई बार भी आते ना जब जो भी हमें इनवाइट कर रहे उन लोग मुझे पूछ रहे आप कितने लोगे क्या लोगे, सर मुझे आप पैसे बाद में देना, उससे पहले आपकी तरफ से मोमेंटम देना जो मुझे लाइफ लॉन्ग याद रहे, क्योंकि मेरे यहाँ पर वो स्टूडेंट सीखने आते हैं, उन लोग वो चीज देखे इंस्पायर होना चाहिए। मेरे काउंटर में कितना पैसा है वो देखे इंस्पायर नहीं, और कोई भी इस ट्रॉफीज देखे इंस्पायर होगा। तो आज जितने भी स्टूडेंट सीखते हैं ना, तो वो उन लोग का एक ही है कि सर मुझे ट्रॉफी मिलेगा ना, तो उनको होप रहता है। तो एवरी सिक्स मंथ में हमारा एक शो होता है हमारे क्लासेस का, लाइक बच्चों को आपका एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन होता है जिसमें बच्चों को प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं खुद को प्रूफ करने का, खुद को लेवल अप करने का, तो वहां पर उनको वो चीज देके हम लोग एनकरेज करते हैं ट्रॉफी सर्टिफिकेट्स। तो अभी आपके बच्चे जा रहे हैं इंटरनेशनल, आर यू हैप्पी, आर यू एक्साइटेड? हैप्पी, एक्साइटेड, नर्वस। रेस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ा कि वहाँ अपना देश का नाम लेके जाना, रिप्रेजेंट करना फर्स्ट ऑफ ऑल, हारना जीतना तो सेकंड है, मगर हम तो जीतने के हिसाब से मेहनत करके जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टू बी फ्रैंक कि अभी वीजा हुआ नहीं अभी तक, कोशिश चालू ही है, इन केस ये साल नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट 100% जाने वाले okay. इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले। कुछ टाइम पहले जब हम मिले थे ना, हमारी इस चीज पे बात हुई थी कि फंड्स वगैरह की, तो अभी वही एक बात है ना कि मतलब टैलेंट्स है पर वो टैलेंट को वहां तक पहुंचाया कैसे जाए, वो ना कभी कभी ना कुछ चीजें रहती है जो खींच लेती है वापस। यस yes. है ना, हमारे साथ भी हो चुका है, अभी ये अपॉर्चुनिटी हमें आया है तो हमने लूज नहीं करने की सोचा कि बहुत सारे पेरेंट्स के फंड्स नहीं था, जब हमें जो भी कंटेस्टेंट हमारे साथ जा रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, सब मिडिल क्लास फैमिली से, एक या दो अपर क्लास फैमिली से, बाकी सब मिडिल क्लास फैमिली या स्लम एरिया से बिलोंग करते। तो मैंने कहा कि उनको कि मैं मेरे साइड से फंड्स कुछ ना कुछ मैं अफोर्ड कर लूंगा, मैं उतना तो मेरे से नहीं होगा 30 लाख, तो बाकी का तो हमें स्पॉन्सरशिप ढूंढना पड़ेगा। सो वी आर ट्राइंग फॉर स्पॉन्सरशिप इन आवर सिटी ओनली कल्याण, एंड हमारे कम्युनिटी में भी ट्राई कर रहे हैं। तो आपको मिला अभी तक फंड? कुछ कुछ लोगों ने दिया है हमें। आप नाम बताना चाहोगे? हाँ, एक हमारे कल्याण के मल्लार शेट्टी करके, उन्होंने 1 लाख रुपीज दिया गया है। ओह नाइस। एंड जो अपना एमएलए गणपत गायकवाड़, महेश गायकवाड़, नवीन गोयल, इन्होंने कमिटमेंट किया कि वो फंड्स देंगे लाइक 30-40,000 ईच। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई ऐसा कोई बड़ा टाइटल स्पॉन्सर आए मिले कि हमारा स्ट्रेस कम हो जाए, जिसमें हम पूरा फोकस डांस पे करें, क्योंकि अभी फंड्स में भी स्ट्रेस रहते हैं एंड इसमें दो पैसा पूरा का होगा, देन वही टेंशन में यहाँ पर हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो ये दोनों चीज चल रही है लाइफ में, अभी देखते हैं। अगर इन केस वीजा भी नहीं मिला तो हमारे पास 1 ईयर है, अगर मुझे स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिला तो मैं अर्न कर लूंगा पैसा 1 ईयर में, एंड मैं खुद के दम पे जाऊंगा, तभी जाके मैं तभी जाके क्रेडिट किसको नहीं दूंगा, मैं खुद को दूंगा। देना ही पड़ेगा, एक साल का वेट इजी नहीं है। एंड उससे पहले गुड न्यूज है कि हम एक इंडियन रियलिटी शो में सेलेक्ट हो गए जो बहुत ही फेमस है, शायद हम वहां पर जीत गए या हम बहुत अच्छा नाम बना लेंगे तो हमें शायद फ्री में भी वो लोग बुला सकते। मुझे नाम जानना है। सो वी आर सेलेक्टेड इन इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10 विद गोल्डन बजर। सो वी आर डायरेक्टली इन सेमीफाइनल। टीवी पे कब आ रहा है? टीवी पे 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, कमिंग मंडे। ओके। इससे पहले हम एक रियलिटी शो जीते मिलियनेयर सुपरस्टार, जिसमें थर्ड प्लेस आए थे। हाँ हाँ, राइट। तो ये 3 मंथ प्रायर वो शूट हो चुका है, सब टेलीकास्ट भी हो चुका है। जो महाराष्ट्र के अंकुश चौधरी का एक बहुत बड़े एक्टर है, वो जस्ट सुपर जस्ट है उसमें। तो ये शो में IGTV में शिल्पा शेट्टी, बादशाह एंड किरण मैम। सो वी आर होपिंग फॉर बेस्ट कि शायद टैलेंट में वो ताकत रहेगी ना, तो हमें वो लोग ही बुलाएंगे अमेरिका से, कि काफी टीम्स है जो अमेरिका से इंडिया वालों को इनवाइट किया है। ओके ओके। दो तीन टीम्स है, दी अनबीटेबल, योर हाइनेस, ऐसा बहुत सारे टीम्स है, तो उनको इनवाइट किया गया था। ओके। उन्होंने अपने पॉकेट से कोई एक्सपेंस नहीं। मतलब अगर इनवाइट करते हैं तो मतलब जो एक्सपेंसेस रहते हैं उनकी तरफ से होते हैं? जब बिकॉज वो रियलिटी शोज होते हैं। ओके। और हम जो जगह पे जा रहे हैं वो रियलिटी शो नहीं है, इट्स एन चैंपियनशिप। चैंपियनशिप। ओके। अगर किसी को मतलब जैसे अभी हमको हमारे ऑडियंस को बताना है ना कि रियल और रियलिटी में डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है? जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, हम जहाँ पर जा रहे हैं वो
वर्ल्ड हिप हॉप चैंपियनशिप है, वो रियल कॉम्पिटिशन, रियल कॉम्पिटिशन है. ओके. एंड कोई शो हमको इन्वाइट कर रहे तो इट्स एन रियलिटी. तो उनके शो चलाने के लिए उसमें हमको एज ए परफॉर्मर इन्वाइट करे ताकि हम लोग स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है. Okay. वो शो उनके यहाँ पर चले उसमें वो लोग अर्न कर सके. ओके. इस काइंड ऑफ बिजनेस होने रियलिटी शो चला रहे मीन्स पैसा कमाने ही प्रोडक्शन टीम चैनल चला रहे राइट. तो इट्स एन रियलिटी शो जो जो ज्यादा उनको टीआरपी दे रहा है वो ही जीतता है हमेशा. Okay. तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा. मैं रियलिटी शो में अभी रियल चीजें दब जा रही है, दिखती नहीं है. Okay. तो इसलिए लोग का अगर रियल टैलेंट के लोग सोशल मीडिया में आ चुके, यूट्यूब में काफी सारे डांसर्स आगे बढ़ रहे हैं. अब रील्स पे देखो, सिर्फ रील्स पे रील्स ही नहीं पोस्ट होते, रियल डांस भी पोस्ट होते हैं आजकल. जो लोग रियलिटी शो से जिनको नहीं जाना है उनको, उनके लिए अभी सोशल मीडिया दूसरा भी आ गया. Right. YouTube एंड रील्स अपना Instagrams, Instagrams से लोग अभी आगे बढ़ रहे. Okay. तो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो अभी पॉपुलर हो चुका है, जिससे टैलेंटेड लोग अभी आगे बढ़ पा रहे, जिससे अर्न भी कर पा रहे. तो उनको वहां तक रियलिटी शो जाने की जरूरत नहीं. तो आधे से रियल आदि से ना वो रियलिटी शो का बॉयकॉट कर दिया, तो उन लोग वहां तक जाते ही नहीं. ओके. क्योंकि उनको पता है कि हम रियल है तो हमको रियलिटी शो की क्या जरूरत है. जो कंटेंट बनाते हैं उन लोग, हमारे पास हमारे खुद के कंटेंट है, हम रियल लोग हैं तो रियल नॉलेज है हमारे पास, हमको जरूरत नहीं. पहले से चलते आ रहा है पर अभी तो लोग और स्ट्रॉन्ग बनेंगे. वी हैव ए सोशल मीडिया, तुम मेरे रियलिटी शो में कुछ भी दिखाओ, हम हमारे सोशल मीडिया में हम दिखा देंगे. तो अभी हमने बात की है डांस रियलिटी शो में, तो इसमें ना एक परसेप्शन ये भी है कि जो डांस रियलिटी शो में ना जो टॉप पे पहुंच गया, विनर हो गया या फिर टॉप कंटेस्टेंट हो गया, उसका ना आगे का लाइफ सेट है. नहीं है, ऐसा था पहला, पहला था बिकॉज पहले टैलेंट्स दिखते नहीं थे. ओके. अभी मेरा ना प्लेटफॉर्म आ गया सोशल मीडिया. हाँ. अभी दुनिया भर के डांसर्स है. Yes. हर घर पे गाड़ी है, ऐसा हर घर पे डांसर्स है. Yes. तो अभी ऐसा नहीं, अभी रियलिटी शो जीतने के बाद भी वो लोग दिखते नहीं है अगर वो कंटिन्यूटी में काम नहीं किए तो. Okay. इंडस्ट्री में हो या खुद पे वो लोग वर्क नहीं कर रहे. जैसे कि मैं कोई शो जीत चुका हूँ और मैं 3-4 साल घर पे बैठा हूँ तो मुझे कुछ काम से मिले, मुझे कंटिन्यूटी में कुछ करते रहना पड़ेगा. नेक्स्ट रियलिटी शो नहीं, कमर्शियल वे में कुछ करना पड़ेगा. कुछ कुछ काम इस इंडस्ट्री में करते रहेंगे तो लोगों की नजर तक पहुंचूंगा तभी मुझे और काम मिलेगी. तो रियलिटी शो ही अभी सब कुछ नहीं है. रियलिटी शो करना है तो कर सकते, फॉर ए गुड एक्सपीरियंस. अब वंस करोगे तो नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे आप रियलिटी शो, बिकॉज उसमें बहुत कुछ होता है. अब एक बार करके देखोगे तो समझेगा ये सब चीजें. रियलिटी शो से लोगों का करियर बदल चुका है बहुत लोगों का. जैसे कि आप धर्मेश सर देख सकते हो, सलमान यूसुफ खान, इन लोग सबको मूवी पे लेके आ रहे मो सर ने. अभी जिस शो में वो आए थे अभी वो उस शो के जज बन चुके हैं. हाँ, उस शो का जज लेजेंड बन चुके हैं. अभी उन्होंने वाकई में उतना मेहनत की है. अभी की जनरेशन उतनी मेहनत नहीं करते, क्विक शॉर्टकट से. तो इसीलिए अभी की जनरेशन के लोग कुछ जज नहीं बन पाते क्योंकि लेजेंड लेजेंड्स ही रह गए हमेशा. तो पहला था ये सब चीजें, तो अभी नहीं है ये सब चीजें. अभी बहुत सारे रियलिटी शो, पहले एक दो आते थे, डीआईडी, इंडियाज गॉट टैलेंट. अभी इंडियाज गॉट टैलेंट में से 4-5-6-7 शो आते पूरा टेलीविजन, एक ही चैनल में 2-3 रियलिटी. हां, डांसिंग हर चीज में डांसिंग होता ही है. तो बहुत सारे दरवाजे हैं कि लोगों को आगे बढ़ने का, मगर वो जीतने के बाद उतना फेम आपको चाहिए रहेगा तो टाइटल से आप कुछ नहीं कर पाओगे. टाइटल आपको 5-10 लाख आपको फर्स्ट प्राइज विनर का आपको जो भी प्राइज मनी एंड ट्रॉफी मिलता है, मगर कब तक आप रखोगे. Right. आगे सर्वाइव करने के लिए आपको और मेहनत करना पड़ेगा. हाँ. आपको लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा दैट यू आर द बेस्ट, नॉट इन द रियलिटी शो, इन द रियल लाइफ, रियल लाइफ ऑल्सो यू आर द बेस्ट. रियलिटी शो सक्सेसफुल करियर की कोई गारंटी नहीं देता है. मैं सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे डांसिंग फील्ड में भी स्टाइल्स, काफी सारे डांस स्टाइल्स होते हैं. तो जैसे कि कुछ मेल जेंडर के लोग लावनी भी करते, बेली डांस भी करते, वैकिंग डांस होता है, वैकिंग करते, तो वो लोग उनको अलग गलत नजर से देखते. तो ये चीज नहीं होना चाहिए बिकॉज उनके, उन्होंने उस चीज को एडॉप्ट किया है, उन्होंने उस चीज को महसूस किया है, इसलिए वो चीज करते. तो अगर कोई मेल साड़ी पहन के डांस कर रहा है तो वो गलत नहीं है, सोसाइटी को गलत नहीं समझना चाहिए. और कोई मेल कमर दिखा के अपना बेली डांस कर रहा है तो उस चीज को गंदे में, गलत वे में नहीं देखना चाहिए ना गलत वे में बोलना चाहिए. सेम ये सब चीजें आजकल कॉमन हो चुका है, लोग समझ
लोग एक्सेप्ट करने लगे सब चीजें. जैसे कि अभी फीमेल्स है, फीमेल्स भी कुछ लोग हैं जो मेल टाइप की, कोई डीजे बन रहा है, कोई हिप हॉप और बी बॉयज बन रहा है. आजकल इंडिया को प्रेजेंट करने बहुत ऐसा गर्ल्स है जो जीन्स टॉप्स हिप हॉप कैटेगरी पहन के आके अपना स्टाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बड़े बड़े. अरे वो जीत के भी आ रहे हैं, सोसाइटी अभी भी उनको अलग ही नजर से ले रही है. लड़की है इसको घर पे ही रहना चाहिए, नॉर्मल डांस करो है तो घर पे सेवा करो, ये सब चीजें नहीं. अभी सबको सब चीजें डेवलप हो चुकी है, लोगों की सोच डेवलप होने की बहुत जरूरत है. जजमेंट नहीं चाहिए. हाँ, लेट देम ग्रो, लेट देम डू व्हाट एवर दे वांट टू डू. इंडिपेंडेंट लाइफ है यार. अपन अभी मैं कुछ दिन पहले दुबई गया था. हाँ. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. हमारे मुस्लिम्स में गर्ल्स को बुर्का पहन के रहना ये 100% है. दुबई वाले का मेंटालिटी चेंज कर दिया. वहां के गर्ल्स लोग मिनिमम लोग ही बुर्का पहन रहे. जेंट्स लोग उल्टा व्हाइट कलर का कॉस्ट्यूम्स होता है. पूरे दुबई मॉल गया था मैं, पूरे दुबई मॉल में सब जेंट्स लोग व्हाइट कलर के कपड़े में थे एंड गर्ल्स कम बुर्के में थे, बाकी सब फैशनेबल कपड़े में थे. तो उन्होंने उनकी सोच बदली वहां की, इसलिए दुबई वो जगह पे. तो इंडिया और दुबई को बनाया भी किसने, 50% ऑफ इंडियन पीपल ने बनाया. वहां पर साउथ के केरला के लोग आधा है, आधा अपने मुंबई के लोग भी है. उन्होंने उनकी सोच बदल दिया. हमें भी हमारा सोच बदलना है, सब चीजों के लिए सपोर्ट करना चाहिए सब लोगों को, तब जाके अपना इंडिया भी ग्रो होगा. मगर आज दुबई उतना बड़ा रह के भी हम हमारा इंडिया ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखते, बिकॉज हमको हमारे इंडिया हमारे मुंबई ने बहुत कुछ दिया है, प्यार दिया, इज्जत दिया, जो भी पोजीशन में उन्होंने दिया है. तो आई विल नॉट अप्रिशिएट देम. मतलब मैं सोच की बने बोल रहा हूँ, उनकी सोच बदल गई. तो उन लोग भी बोलते ना कि मेरी घर की लेडी भी बुर्का ही पहने, स्टाइलिश रह रही आज. मतलब यहाँ के मुंबई के मेंटालिटी में ज्यादा एक्सेप्टिंग हो गए. मैं रिलीजन को कुछ गलत नहीं बोला, मैं सबका अपना अपना है. मतलब एक्सेप्ट करो सब चीजों को, सब चीजें ग्रो हो सकती है, सब चेंज हो सकती है. तो मेरा वही कहना है. So, अभी वैसे बच्चों जब बच्चे जब फर्स्ट टाइम आते हैं ना आपके पास में, मतलब उन्होंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है लेकिन फर्स्ट टाइम आए हैं ये होप लेके कि अभी मुझे यार मोशन सर के यहाँ पे तो मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मुझे भी चाहिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज. आ तो जाते हैं पर कई बार ऐसा भी होता होगा ना, डरे सहमे से रहते हैं, फर्स्ट टाइम कोई एक्सपीरियंस नहीं है. और तो वो टाइम पे जब आप फर्स्ट टाइम उनको देखते हो ना, तो आप पहली बार में ही समझ जाते हो कि इसको क्या चाहिए, क्या कितनी मुझे इसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, या कैसे होता है फिर वो प्रोसेस क्या रहता है उनको मतलब सिखाने का. पहले तो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस जब क्लास ज्वाइनिंग करने से पहले ये होते कि सर का प्रोफाइल क्या, पहले ये होता था. अभी लोग आते थे मुझे पूछते थे, मैं बोलते मेरा प्रोफाइल से पहला मेरे स्टूडेंट्स के प्रोफाइल क्या है वो चेक करो. मैं वो लोग क्या क्या अचीव किए, मैंने तो मेरे लेवल पे बहुत कुछ किया, वो लोग ने क्या किया. फिर वो लोग उनके अचीवमेंट्स देख के उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है कि मेरा बच्चा भी सेम कर सकता है क्या. अभी आपको पता है पांचों उंगली सेम तो नहीं होती, सबका मेहनत सेम नहीं होता है, सबका डेडिकेशन सेम नहीं होता है. अभी हर बच्चे के पीछे अलग अलग टैलेंट्स होते हैं. पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो रियलिटी शोज करने डायरेक्टली, वो ऐसे सोचते हैं कि आज मेरे बच्चे जो डांस कर रहा है मैं उसे वन ईयर के बाद देखो तो कुछ डिफरेंट दिखना चाहिए. तो हम मेहनत करते हैं, हम उनको वही रिजल्ट देते हैं. अब वीडियो शूट करो, फर्स्ट डे आप ज्वाइन कर लेना, आपका सन या डॉटर कैसा डांस कर रहे हैं उनका वीडियो शूट करो, सिक्स मंथ्स के बाद चेक करो उनको क्या क्या आ रहा है, क्या कैसे डेवलप हुए. ये मत बोलो कि सिक्स मंथ्स के बाद रियलिटी शो में लेके जाओगे क्या, आप अपॉर्चुनिटी दोगे, मतलब उनके एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाते हैं. पेरेंट्स लोगों का एक है कि सर आप हमारे बच्चे पे ध्यान दो, हमारे बच्चे पे. हाउ इट विल हैपन, जब बच्चे में ग्रासमेंट पावर रहेगा वो टीचर को अट्रैक्ट करते हैं. सर आप मुझे देखो मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ कर रहा हूँ, तब जाके सर अट्रैक्ट होता है, देन उस पर ध्यान देते हैं. हर स्टूडेंट मेरे लिए इक्वली होता है. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक बच्चा आगे बढ़े, मगर क्या होता है टैलेंट स्पीक्स. तो जो जहाँ बच्चा ज्यादा मेहनत करता है वो दिखाई देता है, हम उनको पिक करते हैं, हम उनको और क्रिएट करते हैं और मेहनत करते हैं. लाइक 2-3 आवर्स का बैच हम 6-7 आवर्स मेहनत करते हैं. देन मेहनत करते करते बच्चों को कभी लगता है चोट लगता है, हाथ पैर कभी कभी टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, कभी डिसलोकेट हो जाता है. ऐसे भी बहुत बार हमारे साथ हो चुका है, मगर हम गिव अप नहीं करते उस चीज को. हम मेंटली पेरेंट्स को भी इतना स्ट्रांग कर देते हैं एंड बच्चों को भी इतना स्ट्रांग कर देते हैं कि आपको कुछ भी हो जाए आपको कम बैक करना है. तो ऐसे काफी बच्चे मेरे टीम्स में जिनका हो चुका है सब चीजें, मगर आज भी वो साथ है. नाइस नाइस. तो अभी जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको डांस सीखना, वो तो बहुत क्यूट भी लगते हैं डांस करते हुए.
तो उनको फियर, ऐसा स्टेज का फियर होता है कभी कि मतलब वो लोग तो ऐसे बच्चे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग जाके डांस करके आ जाते हैं, ऐसा कुछ रहता है उनको? स्टेज के फियर से ज्यादा मोशन सर के फियर ज्यादा रहता है मेरे से, मेरे यहाँ के काफी सारे स्टूडेंट जो स्टाफ सब डरते, पता नहीं वो रेस्पेक्ट है क्या, वो डर है मुझे कुछ आइडिया नहीं, मगर मैं चाहता हूँ कि हमेशा हर चीज परफेक्ट होना चाहिए, तो मैं बच्चों को पहले से सिखा रहा हूँ। बच्चे पे स्कूल नहीं आते, बेबी सिटिंग नहीं आते, पहले जीरो डिग्री आते हमारे यहाँ पर, 3 ईयर से बच्चे आते स्पून फीडिंग नहीं होता है, तो पहले आते वो मेरे से डांट खाते, मेरे से शुरू करते, तो मैं मेक श्योर होता हूँ कि उनका आगे का जर्नी लाइफ का मेरे यहाँ से एक स्टेप ऊपर ही जाना चाहिए, तो मैं उनको अच्छी तरीके से मेंटली स्ट्रांग कर रहा हूँ स्टेज के ऊपर। फियर तो सबको होता ही है, मुझे आज भी होता है जब स्टेज के ऊपर, अभी बैठ के बात कर रहा हूँ तो भी डर लग रहा है मुझे, मगर क्या है मुझे जो डर लग रहा है जो भी मेरे साथ हो रहा है ना उनके साथ नहीं होना चाहिए, दे शुड बी कॉन्फिडेंस तो उनको मैं बचपन मतलब वो जब भी स्टेज में चढ़ते हैं मैं उनको बैक स्टेज ही प्रिपेयर करता हूँ, अगर मैं बैक स्टेज ही खड़ा रहता जब भी मेरे बच्चे परफॉर्म करते ना, जब उनको फ्रंट में भेजने से पहले मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, यू शुड डू गुड, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, आगे से कैमरा है, आगे ये वीडियोस बनेगा, लाइफ लॉन्ग आपके पास होगा, तो यू शुड डू बेस्ट, एंड इससे आपका लाइफ का जर्नी स्टार्ट होता है। जब बच्चा वहां पर अच्छा करता है तभी पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ कि मेरे बेटा कर सकता है डांस लाइफ में, सो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वो भी पुश करते बच्चे को आगे आगे। मतलब पेरेंट्स और मेंटर दोनों का सपोर्ट और उनका पुश चाहिए अगर अच्छे अच्छी जगह पे पहुंचे। 100% दोनों का चाहिए ये, अगर पेरेंट्स के सपोर्ट नहीं है तो बच्चे नहीं जा सकते, अगर बच्चे में टैलेंट ही नहीं है तो पेरेंट्स आगे भी नहीं भेज सकते, दोनों का होना चाहिए। राइट। उन पेरेंट्स के लिए ना कुछ ऐसे वर्ड्स चाहिए जो पेरेंट्स को ना एक मोटिवेशन दे अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने अभी बात किया कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की जो कैपेबिलिटी पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होता है ना वो बच्चों के कैपेबिलिटी से मैच नहीं करते हैं। Exactly. तो उनको ना एक पुशबैक देने, बच्चों को पुशबैक देने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को चीज़ें समझने की ज़रूरत है, तो उनके लिए पेरेंट्स को आप क्या बोलोगे? मैं पेरेंट्स को यही बोलूंगा कि आपको क्या चाहिए ये सोच के आपके बच्चों को तो बढ़ाना था, वो तो सब पेरेंट्स का एम है कि मेरे को मेरे बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, पायलट बनना चाहिए, या कोई डांसर बनना चाहिए, ऐसा सबका सोच होता है, मगर पहले उन बच्चों से आगे पूछना कि आपको क्या बनना है, सबसे पहला क्वेश्चन, राइट? देन उनके अंदर क्या टैलेंट है एक अगर आप समझ नहीं पाते तो आप कोई अच्छे टीचर के पास भेजो उनको कि वो समझ पाए। लाइक पैशन में उसको ज्यादा कोई भी पैशन लाइक डांसिंग म्यूजिक या कोई चीज में उसको आगे ग्रो होना है या कुछ अलग, लाइक आप सोच रहे डॉक्टर बनना है, बच्चों को बनना है या इंजीनियर, तो टाइम है आपके पास, जब जब वो एजुकेशन लेवल लाइक अभी 10 years 12 15 years के बाद वो प्रोसेस चालू होता है, तो पहले आप उनपे देखो, ऑब्जर्व करो वो चीजें उनके अंदर से कैसा आप एडॉप्ट कर पाओगे, देखो उनके टीचर से पूछो क्या कर सकते हैं, फिर जाके वो बच्चों को उस पर पुश करो, क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स का गलत डायरेक्शन की वजह से बच्चे का यही, जैसे कि मैं एग्जांपल, मेरे मॉम डैड को मैं 10 से बोल रहा हूँ कि मुझे ये सब नहीं करना पड़ा है, मुझे इस पे करना है, मगर उन्होंने अपने बच्चे का एक सेफ्टी के लिए उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग पढ़ाया। मैं एक इंजीनियर हूँ। आप इंजीनियर हो? मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे इंजीनियरिंग पढ़ाया, मुझे नहीं पढ़ना था, मैं ड्रॉप ले लेके फेल ले लेके पढ़ के और सर्टिफिकेट वैसे ही पढ़ा है 10-12 साल से घर के अंदर। okay. उनको एक था कि शायद मेरा बेटा डांस में आगे कुछ नहीं कर पाता, शायद वो सर्टिफिकेट से वो आगे तक कई जगह जॉब करे, वो उनकी जगह पे सही थे। मगर जरूरी नहीं कि हर कोई मेरे से आगे बढ़ जाए डांस फील्ड पे, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करके गिव अप कर रहे थे, मैंने गिव अप नहीं किया, इसलिए मैं आज भी स्टिक बैक मतलब बेटा हूँ यहाँ पर, तो मैं भी गिव अप कर सकता था, मैं जिद पे हूँ कि मुझे ये चीज को ही आगे लेके जाना है। बहुत सारे इंजीनियर क्लियर है ना आपके माइंड में, उसमें क्या होगा, मैं इंजीनियर बन के मैं खुद के लिए मैं करूंगा ना, मैं मेरे लिए मेरे फैमिली के लिए करूंगा, आज मैं लोगों का ड्रीम्स पूरा कर रहा हूँ, तो मेरे को वो एक चीज जो पोजिशन मिला टीचर वाला मैं वो छोड़ने नहीं चाहूंगा टिल माय एंड, और मैं लोगों को सपने दिखाते रहूंगा, सपने दिख के उनको अचीव करने लगाऊंगा, मैं मेरा वो ड्रीम, इसलिए कैसा होगा लोगों का सपना पड़ा, उसमें मुझे दुआ मिल रही है, पैसे भी मिल रही है जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो अब मैं इंजीनियर बनता था मेरे को सिर्फ मेरे और मेरा फैमिली को ही खुश रख पाता हूँ, आज मैं मेरे कल्याण को खुश रख पा रहा हूँ, मैं अपने इंडिया को खुश कर पाऊंगा, शायद मैं आगे आगे जीत के आऊँ वर्ल्ड पे चैंपियनशिप पे जाऊँ, तो एक चीज है। तो अब हम हमारे टॉक शो के क्लाइमेक्स पे आ चुके हैं, तो अब मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी।
फटाफट सवाल फटाफट जवाब तो मैंने एक और बोली यस तो सवाल मेरे पास यहाँ पे नहीं है मैं आपको मोशन सर को सबसे ज्यादा पसंद कौन सा डांस फॉर्म है बॉलीवुड अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ पे देखते हो मुझे एज ए कोरियोग्राफर इन इंडस्ट्री ओके नाइस ऑल द बेस्ट और इस आपको कोरियोग्राफी करना पसंद है तो आप मुझे ये बताइए कि इंडस्ट्री का कौन सा कोरियोग्राफर आपका पसंदीदा है रुबेल सर के रुबेल ओके जो फिलीपींस क्रू के मेंबर है ओके वो वहां से इंडिया में आके सेटल हुए Okay. तो इंडिया में जो जैसे कि जुगनू बोला मैंने यही हूँ मैंने गलती से मिस्टेक ये सब गाना उन्होंने किया है अच्छा तेरे वास्ते पल ये सब उन्होंने किया है ऑलराइट बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं मगर उनका स्टाइल थोड़ा स्वैग अलग है हिप हॉप और बॉलीवुड मिक्स आता है उनका सो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए आपके साथ बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हुए जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव भी थे लोगों के लिए अगर जब लोग देखेंगे समझेंगे कि हम लोग किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं और उनको एक्चुअली समझना ज़रूरी भी है क्योंकि ये उनके बारे में ही है सोसाइटी के बारे में उनके बच्चों के बारे में है और ये उन चीज़ों के बारे में एक्चुअली जो नई यूजुअली बातें होती हैं है ना तो थैंक यू सो मच उन तक पूछना चाहिए बहुत ज़रूरी है एंड हमेशा आपको खुद पे गिव अप नहीं करना है ये चीज सीखना है एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इफ यू कैन स्टैंड यू कैन डांस यस दैट्स ट्रू लिव विद पैशन लिव विद पैशन